नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों जिस तरह से आप जानते हैं 150 साल पुरानी प्रथा को चेंज किया गया और कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से फैसला तो लिया गया, पर क्या इस फैसले से पहले पब्लिक डोमेन में इस फैसले को लाया गया जो यहाँ के व्यापारी वर्ग है उनसे परामर्श किया गया कि आखिर दरबार मुंह बंद करने से यहाँ के व्यापारियों को कितना भारी भरकम नुकसान होने वाला है, क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी की मार और दूसरी तरफ दरबार मुंह आता था कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के व्यापारियों की आय बढ़ती थी, उनका कारोबार बढ़ता था। पर लगातार जिस तरह से व्यापारी वर्ग अपनी अपनी बात रख रहा है, क्या यहाँ से ये साफ तौर पर नजर आता है क्या व्यापारी वर्ग खुश है या परेशान है? आज इस समय हम पुरानी मंडी में यहाँ के व्यापारी एकत्रित हुए हैं अपनी बात रखने के लिए और हाथों में है दरबार मुंह बंद मत करो। और साथ ही साथ देखिए किस तरह से व्यापारी वर्ग आज परेशान है। देखिए आज हम जिस दिन से ये दरबार मुंह बंद करने की घोषणा की गई है उसी दिन से हम सारे व्यापारी जम्मू के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं और एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये बात कर रहे हैं कि आप बिना जम्मू के लोगों से व्यापारियों से ट्रांसपोर्टर्स के सुने बिना आप खुद ही फैसले कर लेते हैं और काले कानून हम पे थोप देते हैं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। आपने हमारी डोगरा रियासत छीनी, स्टेट सब्जेक्ट छीना, 370 छीना, अब आप लाखों करोड़ों रुपए का व्यापारियों का ट्रांसपोर्टर्स का आज सारे लिंक रोड, जैन बाजार, पुरानी मंडी, ओल्ड हॉस्पिटल रोड, राज तिलक रोड, मोती बाजार, सिटी चौक, कनक मंडी, रघुनाथ बाजार, होटल्स रेस्टोरेंट्स के बीच पुरानी मंडी में खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम चेतावनी देते हैं कि अगर इस फैसले को एलजी मनोज सिन्हा साहब आपने वापस नहीं लिया तो हम आने वाले दिनों में इस जन आंदोलन को और तेज करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सारे व्यापारी मिलकर के जम्मू बंद का भी आह्वान कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश सानी जी भी है, इनका क्या करना कहना है जिस तरह से 150 साल पुरानी जो परंपरा उसको तोड़ा गया है, कहीं ना कहीं व्यापारियों को कितना नुकसान होने वाला है? इससे व्यापारी वर्ग बहुत ही प्रभावित होगा, नुकसान होगा व्यापारी वर्ग को। और हमने पहले भी कहा कि ये जो हमारी पुरानी परंपरा चल रही थी उसका कोई मकसद था, महाराजा लोग अपनी सरकार लेके दरबार लेके कि गर्मियों में कश्मीर के लोग यहाँ नहीं आ सकते थे और सर्दियों में सारे व्यापारी हमारे जम्मू के लोग वहाँ नहीं जा सकते थे, इसलिए महाराजा ने ये परंपरा चलाई थी कि मैं खुद सरकार लेके आपके पास, उसी के तहत ये परंपरा सदियों से चल रही थी, जिससे क्या होता कि व्यापारी वर्ग जो था उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट क्या मिलता, जब कश्मीर दरबार आता था उनके परिवार के लोग आते थे और वो परिवार के लोग जब खरीदारी करने के लिए यहाँ आते हैं तो खास करके अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा गोड्स जो व्यापार होता है हमारे जम्मू में होता है, अपना लखरता बाजार में होता है, अपना पुरानी मंडी में होता है, और जो वो खास करके जो लेडीज हमारी बहनें माताएं आती थी वो भी लेडीज सूट खरीदने के लिए, आप देखेंगे ये बहुत पटेल बाजार हमारा है, पुरानी मंडी है, राज तिलक रोड है, यहाँ सबसे अच्छी वैरायटी मिलती थी और व्यापारियों को इससे बेनिफिट मिलता था, व्यापारी कुछ कमाते थे जिससे सरकार को टैक्स भी बढ़ते थे। इस परंपरा जो बंद हो जाएगी तो व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावित होगा इस सरकार को, और ये सरकार के जो नुमाइंदे 2014 से सरकार की नुमाइंदगी करते रहे और वो लोग से वोट, क्योंकि ये हमारा ओल्ड सिटी जम्मू ईस्ट वेस्ट देखिए सबसे बड़ा ये व्यापारी एक व्यापार का एक हब है, तो ये लोग सफर करेंगे, अब वो लोग सोए हुए क्यों हैं, आज क्यों नहीं लोगों की आवाज को उठा रहे? अकेले मोदी जी उनको आके जिता के जाएगा यहाँ से, यहाँ के लोगों ने वोट दिया उन लोगों को, वो याद करें 2014 में कितना मैंडेट दिया था एक पार्टी को, पार्टी को, और आज वो सोए हुए हैं, आज उनको जागना चाहिए। और हम लोग तो पूरी सपोर्ट कांग्रेस का पूरा ताउन, हमारे नेता आजाद साहब ने भी यही कहा कि वो भी चीफ मिनिस्टर ने कहा, मैंने उनका बयान सुना कि भी मैं भी सोचता था कि यार इसको बंद करें नुकसान होता है हमारी सरकार को, लेकिन बाद में कहा नहीं, इससे तो जो हमारा व्यापारी वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा सफर करेगा। आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो अगर कानून लाने होते, इस तरह की चीजें अगर फिर बदल करना होता कहीं ना कहीं जिस तरह से आपका पब्लिक डोमेन में लाना इसको बहुत जरूरी होता था? तभी तो हमने कहा कि भी ये तो तीसरी चौथी बार मार खा रहा है व्यापारी वर्ग,
कि कोई भी आप फैसला लेते हो पहले लोगों के बीच बैठिए। अगर व्यापारी वर्ग परेशान हो रहा है, सफर हो रहा है, तो व्यापारियों को बुलाइए, उनके नुमाइंदों को बुलाइए कि भाई अगर ये सरकार ये कोई फैसला लेना चाहती क्या इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। लेकिन ये सरकार जो है, ये सरकार अंधे बहरे में क्या बोलूँ आपको कि इनको घमंड आ चुका है, इतनी पावर देके घमंड आ चुका है। ये चाहते हैं जो चीज़ है इन पे हथौड़े मारो, इनको मार मारो और ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। कांग्रेस पूरी सपोर्ट कर रही है, जो हमारे विमल जी या जितने व्यापारी वर्ग की हमारे यहाँ से सुने पूरी सपोर्ट उनके साथ। चलिए सर, सर आपका नाम? विमल गुप्ता, आप प्रेसिडेंट जी। वही सर, क्या विमल जी, जिस तरह से 150 साल पुरानी प्रथा चलती आई थी, इस प्रथा के टूटने से यहाँ के व्यापारी वर्ग को, या कश्मीर की बात करें वहाँ के व्यापारी वर्ग को कितना नुकसान हो? बहुत नुकसान है, कहने की बात है। अंदाज़ा ये गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि 200 करोड़ 200 करोड़, जो हज़ारों करोड़ का हम लोग टैक्स देते हैं वो नहीं दिखाई दे रहा। अभी अभी कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये इसी के खिलाफ हो रहा है कि हम लोगों को मारने का एक षड्यंत्र है कि कैसे इनको ख़त्म किया जाए। देखिए, मैं ये एक ही चीज़ पूछना चाहता हूं कि दफ़ा 370 टूटी तो एक भी उसका बेनिफिट बता दीजिएगा। हमारी डोगरा रियासत यहाँ ख़त्म हो गई, क्या मिल गया आज देख लीजिएगा, आपके यहाँ का कल्चर ख़त्म हो रहा है आपसी भाई। अगर हम 150 साल से ये चला था राजा भाई महाराजा के टाइम का, जम्मू वाले श्रीनगर गर्मियों में जाते थे गर्मियों वाले, और जब हम लोग गर्मियों में जाते थे उनका कारोबार बढ़ता था, और जम्मू में आते तो हमारा, और मोर ओवर श्रीनगर का काम फिर चल जाएगा क्योंकि वहाँ टूरिज़्म का है। जम्मू में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि टूरिज़्म पे होगा। गवर्नमेंट ने हमें मदद देने की बजाय उन्होंने हर तरीके से हमें मारा, हर तरीके से लूटा, और जम्मू को ख़त्म करने की कोई साजिश के तहत हो रहा है। और हम तो बार बार एलजी साहब से, दूसरे से जो कंसर्निंग अथॉरिटी हैं जो इस किस्म के डिसीजन लेती हैं, उनको पहले हम छोटे व्यापारियों के पास आना चाहिए था, हमसे मीटिंग करनी चाहिए थी कि क्या आपको इसका क्या फ़ायदा। देखिए, एक दुकानदार का नुकसान नहीं हो रहा, इसमें होटल लाइन ख़त्म हो जाएगी, इसमें ट्रांसपोर्ट लाइन ख़त्म हो जाएगी, टैक्सी यूनियन ख़त्म हो जाएगी, और छोटे छोटे जो व्यापार है हर व्यापारी पर असर पड़ रहा है इसका। तो आपके सामने है, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका तो हर एक को नुकसान हो रहा है, किसी एक को नुकसान नहीं है। जम्मू ख़त्म करने की एक साजिश है। और आपके माध्यम से एक चीज़ और कहूँगा, जो हमारे मिनिस्टर, जो हमारे एमएलए, जो कुछ दूसरा तीसरा हैं इस वक्त थे, जो प्रेजेंट थे, जो अब नहीं है, अगर वो आज सोए रहे घरों के अंदर, कल हम व्यापारी लोग भी उनके लिए आंखें मूंद लेंगे और उनको बेनकाब करेंगे, जैसे वो हमारी रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं। कल आने वाले टाइम उनसे जम्मू की जनता लात मार के एक साइड पे कर देगी और उनसे पाई पाई का हिसाब लेगी। धन्यवाद। साफ तौर पर यहाँ के व्यापारी वर्ग जो परेशान है, तो व्यापारी वर्ग परेशान है। और ये देखिए, अपनी दुविधा को रख रहे हैं। सवाल बड़ा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के जो ये के यूटी के जो प्रधान है, और जेके यूटी के जो प्रधान है रविंदर रैना जी, कहते हैं जम्मू की जनता खुश है। क्या ये इन लोगों को देखकर, व्यापारी वर्ग को देखकर, क्या रविंदर रैना जी शायद आंखें मूंदे हैं, उनको दिख नहीं रहा कि ये लोग खुशी से नहीं मजबूरी से सड़कों पर उतरे हैं? कहीं ना कहीं 150 साल पुरानी जो प्रथा है, जो कि दरबार मूव होने की दोनों खित्तों के लोगों को, उनके खास करके तो वो व्यापारी वर्ग को फ़ायदा होता था, कहीं ना कहीं उनकी आय बढ़ती थी। ये हर कोई 6 महीने तक उम्मीद लगाए बता कब दरबार मूव जम्मू हो, कब दरबार मूव श्रीनगर हो। पर इस प्रथा को टूटने से व्यापारी वर्ग आज परेशान है। कहाँ है यहाँ के नेतागण, कहाँ है बड़ी बड़ी जम्मू की बातें करने वाले, कहाँ है जम्मू के ठेकेदार जो हमेशा कहते थे हम जम्मू के साथ हैं? और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई ऐसा बड़ा फैसला लाना होता है तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं उसको लाया जाता? यहाँ के व्यापारी वर्ग के जो प्रतिनिधि, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनसे बात क्यों नहीं की जाती? क्यों एक ही बदम से मार दी जाती इस व्यापारी वर्ग को? चलिए हमारे साथ सर जुड़े, इनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम? बलविंदर सिंह, खिलौने वाली गली। इसका नुकसान जो है वो पूरे जम्मू को है, छोटे दुकानदार को है, क्योंकि जितना भी दरबार मूव जब होता है तो 3 महीने सर्दियों का जो काम है उसका 75% हमारा जो है दरबार मूव पे, जी बिल्कुल 75% हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बार बार बोल रहे हैं 200 करोड़ बचाना है, तो इतना जो लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है, जो GST का जो नुकसान हो रहा है उसकी कैलकुलेशन किसी ने नहीं की। इतने इतने बड़े ऑफिसर हैं इनके, इनके इतनी इतनी बड़ी अच्छी पार्टी हैं, इतने एडवाइज़र हैं, किसी ने ये कैलकुलेट नहीं किया है कि कितना नुकसान होगा, करोड़ों रुपये का नुकसान होगा यार।
तो मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करूंगा सबको, इनको जो एलजी को साहब को भी करूंगा, इसके ऊपर दोबारा जो है सोच विचार की जाए और ये प्रथा फिर शुरू करनी चाहिए, फिर शुरू होनी चाहिए। 150 साल पुरानी प्रथा चल रही। चलिए, ये युवा हमारे हैं, ये भी व्यापारी हैं, इनसे बात करते हैं। अभिमन्यु जी क्या कहना चाहोगे? मैं लिंक रोड से हूँ जी, मैं भी व्यापार करता हूँ, तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप लोग कुछ तो डिसीजन लेने से पहले सोचें जी। हम लोग इस पे, हमारा फूड एंड शेल्टर है, हम अपने बच्चे पालते हैं, हम एक सेल करेंगे तो उसके बाद उसमें इनकम जनरेट करेंगे, उसका हम टैक्स भी पे करेंगे और उसी से हम रोटी खाएंगे। अगर वही कम हो जाएगा, उसका अगर आवाजाही हम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, आप टूरिज्म बढ़ाओ, आप और चीज़ें बढ़ाओ, ये आप हमारा काम कम कर रहे हो, बढ़ा नहीं रहे हो उससे, और इससे ये होगा हम लोगों की रोजी रोटी के आगे ही हम हैंड टू माउथ हैं। लॉकडाउन लगे हैं, सब कुछ लगा है, हम हैंड टू माउथ चल रहे हैं, और इसके बाद अगर ये भी दरबार मुँह भी बंद हो जाएगा तो फिर हम रोटी कैसे खाएंगे, हम जाएंगे कहाँ? हम पढ़े लिखे युवक हैं बट यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं, हम यहाँ पे जॉब्स नहीं हैं, तो फिर हमें ट्रेडिंग पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, फिर उसके बाद हम करेंगे क्या? मैडम मुझे ये बताइए कि हम आगे काम क्या करेंगे जी। गवर्नमेंट को भी हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए, कोई डिसीजन लेने से पहले कुछ सोचो, कोई 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 थिंकर कोई कोई वहाँ पे बैठा नहीं है, ऐसे ही आप वेग डिसीजन से ले लेते हो, कुछ सोचना चाहिए कि हाँ भाई इस डिसीजन का किसी पे इफेक्ट आ रहा है, उसके बारे में कुछ सोचो, उनकी पार्टी से कुछ डिस्कस करो, उसके कोई प्रोज एंड कॉन्स ढूंढो, कुछ नहीं करते हैं, ऐसी डिसीजन ले लेते हैं फिर अपने घर पर बैठ जाते हैं। हम लोग ने रोटी कैसे खानी है, सिर्फ इतना मुझे जवाब चाहिए, हमारी रोजी रोटी को हमारे 200 करोड़ बचाना है, ये सरकार का दावा और केंद्र प्रशासन का दावा है कि 200 करोड़ बचाना है। क्या उस 200 करोड़ में से ये जो व्यापारी वर्ग है इनकी जो भरपाई की जा रही, क्या उस 200 करोड़ में से जो डेली वेजर लगातार धरने प्रदर्शन उनकी भरपाई की जाएगी? क्या 200 करोड़ में से एसपीओ जो हैं, जो आए दिन शहीद होते हैं, उनके परिवार को वहां जाना दिया जाएगा? आखिर चल क्या रहे, समझ नहीं आ रही। एक तरफ श्री रविंदर राणा जी कहते हैं जम्मू की जनता बहुत खुश है, अगर वाकई जम्मू की जनता खुश है तो ये सड़कों पर कौन थे? आप और हम तो नहीं है। आखिर अगर इस तरह के फैसले लाए जाते हैं जी, जी सर जी, देखिए आप तो इंटरव्यू कर रहे हैं, मगर एक चीज़ मैं और कहूँगा, जैसे कि ये टाइम चल रहा है, कामकाज ख़त्म होंगे, हम लोग हैं छोटे छोटे व्यापारी हैं, किसी के पास एक बच्चा काम कर रहा है, किसी के पास दो कर रहे हैं, किसी के पास तीन कर रहे हैं, किसी के पास चार, अगर हम उनको, जब हमारा काम ही नहीं होगा हम उन बच्चों को क्या करेंगे? मजबूरन हमें उनको बोलने का, भाई जी हमें माफ़ी दो, हम आपकी सैलरी नहीं निकाल रहे, एक एक दुकान के साथ चार चार पाँच पाँच फैमिली पलते हैं, जब हम उनको जवाब देंगे दिल तो नहीं करेगा, मगर मजबूरी है कि हम उनके तनख्वाह भी नहीं निकालें। क्या गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है कि हजारों लाखों बच्चों के रोजगार के लिए कितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी? क्या इन्होंने ये नहीं सोचा, घर बैठे फैसला कर लिया, जो अभी आप नाम ले रहे थे कि जम्मू के लोग बड़े खुश हैं, किसी पार्टी के प्रधान है, अच्छा कहते हैं बड़े खुश हैं, कभी जम्मू के लोगों के पास आए हैं वो बस कोई भगवा कपड़ा पहनने से? आज मैं जहाँ जो बोल रहा हूँ, कल क्या होगा, ये लोग क्या बोलेंगे, ये तो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, ये फलानी बोली बोलते हैं, ये चाइना की बोली बोलते हैं, क्या बात है? जब हम अपने काम के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, हम पाकिस्तानी बन जाते हैं, चाइनीज़ बन जाते हैं, आप क्या हो? आप कभी आके हमारा दुख दर्द बांटने की कोशिश की है? आप लोगों ने आज खुले मंच से आपको चैलेंज आइए, आने वाला टाइम जम्मू के लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, जाग जाओ, आप जी भी हमारी आवाज़ उठाओ और इस कानून को। और ये भी कहूँगा, देखिए गवर्नमेंट जो भी कहती है, एलजी होंगे या जो भी है, इस वक्त जम्मू के अंदर बीजेपी की ही हुकूमत है, एलजी भी बीजेपी के हैं, बाकी भी हैं, तो क्या आज ये लोग उठ के बाहर नहीं आ सकते? क्या हमारी आवाज़ वो उधर पहुँचा नहीं सकते? हुकूमत भी तो तभी आई जब आप लोगों ने पूरा समर्थन दिया, आप लोगों ने अपना कीमती वोट दिया। देखिए हम लोगों ने वोट दिया, सब कुछ किया कि ये सोच के कि आने वाले लोग हैं, प्राणों को देख लिया हमने, नेक को भी देख लिया। तो यही गया था कि 370 के बाद 35 खुशहाली होगी, प्रगति के रास्ते होंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, तो ये युवा क्या कर रहे हैं सर? देखिए जो बेरोजगारी खत्म हो गई, आप जम्मू में बेरोजगार तो है ही कोई नहीं है, खुशहाली इतनी आ गई है कि लोग आम आदमी आप सड़कों पे, क्या वाटर बस क्या ले, बिजली वाले हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं वो रोज मरने की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो पुल कर बंद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट की हर पॉलिसी फेल हो चुकी है। घर बैठ के डिसीजन लेने से अच्छा है कि वो पब्लिक के अंदर आएँ और वो देखें कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो कि वो लोग नहीं देख रहे और ना उनको दिखाई दे रहा है, उनके दिमाग में एक ही चल रहा है कल मुझे हमें मोदी जी जिता देंगे जी, बस वो जो कंसेप्ट उनके माइंड में घुस गया। इस वक्त जनता जाग चुकी है, खाली पेट जो जो कोई होगा वो क्या करेगा इनके साथ, मैं नहीं जानता। धन्यवाद।
साफ तौर पर बात की गई थी गरीबी को खत्म करने की, पर आज गरीबों को खत्म किया जा रहा। जनता अब जागरूक हो चुकी है, ये कहना कि अभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाइए, अभी भी जागरूक हो जाइए, जनता की आवाज सुनिए। वही जनता है जिसके दम पर आपकी सरकारें बनती है, और यही जनता है जिनके दम पर सरकारें गिरती भी हैं। आने वाला समय किस तरह की करवट लेकर आएगा, हर एक जन आज सड़कों पर। आज व्यापारी वर्ग, जम्मू का छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी वर्ग आज दुखी है, आज परेशान है, आज सड़कों पर। आखिर कौन सुनेगा इनकी सुनवाई? क्या इसी दिन के लिए आपने कीमती वोट देकर सरकारें बनाई थी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।